ओम शांति। कई बार हम दूसरों की गलती ढूंढते हैं और फिर हम ये कहते हैं अगर आपसे भी वो गलती हो जाती है फिर दूसरों को भी ये कहते हैं उससे भी तो ये हुआ था, उसने भी तो ऐसा किया था, उसको तो कुछ नहीं कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा। तो माना ये स्वयं को बदलने वाले नहीं है, ये दूसरों के बदलने के इंतजार करने वाले हैं। जो दूसरों की गलती से ना सीखे तो वो गलती खुद करेगा ही करेगा। हमारे सामने कितनी गलतियां होती तो वो आपके सामने इसीलिए नहीं आई है कि आप किसी की गलती निकालो, वो गलती आपके सामने इसलिए आई है कि आपसे वो गलती ना हो। इसीलिए नहीं आई कि वो गलती जो दूसरा कर रहा है आपने इग्नोर कर दिया, अब आप तैयार हो एक नई गलती करने के लिए। आपका जीवन है, बहुतों को देखते हो, किसी ने कोई गलत एक्ट कर ली, किसी ने गलत दिशा चुन ली, तो क्या करोगे, आप भी वही करोगे। अगर रास्ते में हम कहीं जाते हैं तो कोई कहता नहीं वहां पे ना रास्ता बंद है, तो पहले जाएंगे वहां पे रास्ता बंद देखने जाएंगे। अगर दो चार लोग आपको बोलते हैं कि रास्ता बंद है आगे मत जाना हम वहीं से वापस आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले वापस वहां पे जाओगे फिर देख के आओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। उसने कर ली ना एक गलती की वहां पे जाके, जबकि लिखा भी हुआ था, पर उसने ना पढ़ा ना देखा, तो फिर वो आके सबको बताता है कि नहीं जाना भैया रास्ता बंद है। तो अगर किसी ने दूसरे पे यकीन ही नहीं करना और उसकी गलती से शिक्षा ही नहीं लेनी तो वो खुद भी जाएगा। नहीं नहीं सबके साथ ऐसा थोड़ा होता, रास्ता बंद है, खुला ही होगा, इसको ही लग रहा होगा, इसका दूर का चश्मा ऐसा होगा, ये होगा, तो कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये जीवन है, आपके सामने अगर आप देखते हो कोई विकारों के वश होकर ये गलती कर रहा है तो आपको तो शिक्षा मिली है ना, आप वो गलती ना करो। और आपके सामने वो आपको बता रहा है कि मेरे से ये भूल हो गई है, और कई आत्माएं अपने अनुभव से बताती हैं कि ये गलती हमने की थी तुम मत करना। जैसे माँ बाप भी कई बार बताते हैं, उनके जीवन में भी उन्होंने कहीं भूल की होती है, तो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, हर माँ बाप शिक्षा देता है कि बच्चे मैंने गलती की थी तुम नहीं करना, मैंने गलत कदम उठा लिया था, ये ऐसा हो गया था, मैंने भी नहीं सुना था, कहीं तुम भी वैसे ना बन जाना, मैंने गलती करके शिक्षा ली है तो मेरी शिक्षा से ही तुम सुधर जाओ। जरूरी नहीं है कि वो गलती करके तुम भी बाद में शिक्षा लो। भटक के फिर लौटने के बजाय जो भटक गया है उसी से पूछ लो कि भैया तुम भटक गए थे अब तुम्हारी हालत कैसी है, तो वही तुम्हें बता देगा ज्यादा अच्छे से। तो जरूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस करना ही हो कि खड्डा उसमें गिर के कैसा लगता है। तो इसीलिए अगर कोई स्वयं को बदलना जानता है और स्वयं को बदल सकता है तो वो हमेशा शिक्षा लेता है, संवारता है खुद को, कभी ये नहीं कहता कि मैं ही क्यों करूं, मुझे ही बदलना है क्या, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जाने अनजाने भी नहीं करता है। ओके, तो आप अपनी चेकिंग जरूर करना और देखना कि हम कौन सी कैटेगरी की आत्मा है। ओके, ओम शांति।